मेरठ के एक गुमनाम से गांव इकलौता से रातों रात शोहरत का सफर पारुल चौधरी के लिए आसान नहीं रहा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में नुमाइंदगी और फिर चीन के हांगझोऊ में चल रहे एशियाड में 3000 मीटर स्टीपल चेज और फिर 5000 मीटर में गोल्ड हासिल करने वाली पारुल की जिंदगी का ये बेहतरीन लम्हा है और इन जीतों ने उनके ख्वाब बड़े कर दिए हैं। जो मतलब मेरी फैमिली है वो ही फंक्शन वगैरह करेंगे, अब देखो वो कैसे करते हैं। तो अभी मैं 6 को यहाँ से मतलब कि जाऊंगी, 6 को हमारी टिकट है, फिर उसके बाद देखते हैं जी। आपके मन में और कोई ख्वाहिश है यहाँ से कुछ लेके जा रही है फैमिली के लिए? हाँ जी, जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए 2 मेडल लेके जा रही हूँ, अपने इंडिया के लिए 2 मेडल लेके जा रही हूँ। अगर हम 900 या 902 या 91 भी हम अगर दौड़ते हैं तो हम हाँ ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ सकते हैं। और मुझे अभी मेरा टाइम 9:15 है, तो मुझे और बेस्ट करना है, और अभी मैं उसके लिए प्रिपेयर होंगी, थोड़ा रेस्ट लेके 10-15 दिन रेस्ट लेके फिर मैं ओलंपिक की तैयारी में लगूंगी। एथलेटिक्स में अनु रानी ने जैवलिन में इतिहास कायम किया है। ओलंपिक चैंपियन को मात देकर गोल्ड जीतने वाली अनु ने भारत में इस खेल को नीरज चोपड़ा की ही तरह अलग पहचान दी है। पारुल की तरह अनु रानी की शुरुआत भी मेरठ के ही एक गांव बहादुरपुर के खेतों से हुई। गन्ना फेंकते हुए उनके भाई ने उनके हाथों में जैवलिन थमाया और एशियाड ने उनके स्टारडम का सफर शुरू कर दिया। आप गांव से निकल के आते हो तो गांव से निकल के आना एक लड़की के लिए बहुत ही मतलब स्ट्रगल से भरा होता है, क्योंकि गांव में काफी मतलब जो सोच है लोगों की, वहां का जो माहौल है वो लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते। कपड़ा कुछ लोअर टी शर्ट भी पहनते हैं तो उस पर उंगली उठाई जाती है कि ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, तो मतलब काफी स्ट्रगल भरा रहा है। हम 5 भाई बहन है, पापा किसान है, तो जब मैं स्टार्टिंग में गेम करती थी मेरे पास शूज भी नहीं होते थे, किट कपड़े भी नहीं होते थे, तो पड़ोस में जाके मतलब किसी फ्रेंड की टी शर्ट लेके आती थी, शूज लेके आती थी, कॉम्पिटिशन खेलने के लिए जाती थी, फिर बाद में कॉम्पिटिशन खेलने के बाद आके उसका वो वापस करती थी। कुछ ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी भोपाल की चैंपियन नेहा ठाकुर की भी है। सिर्फ 17 साल की नेहा की कहानी भोपाल के बड़ा तालाब से शुरू हुई और फिर चाइना सी में जाकर नेहा ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। थोड़ा डिफिकल्ट था पर मुझे कॉन्फिडेंस था मुझसे, मैंने सोचा हाँ मैं कर सकती हूँ। 24 साल की भोपाल की मनीषा कीर के पिता आज भी भोपाल में मछली बेचने का कारोबार करते हैं, इसलिए मनीषा के लिए ट्रैप शूटिंग का सफर कहीं ज्यादा मुश्किलों भरा रहा। दरअसल मनीषा और उनकी टीम मेट प्रीति रजक, जिनके पिता ड्राईक्लीन की दुकान चलाते थे, और मशहूर ओलंपियन रणधीर सिंह की बेटी राजेश्वरी, तीनों का अलग ही संघर्ष रहा है। वहीं घुड़सवारों की टीम ने पहली बार गोल्ड जीतकर इतिहास तो कायम किया है, मगर एशियाड तक पहुंचने से पहले इन्हें कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़े, तो किसी को घर तक बेचने की नौबत आ गई। जो भी सैक्रिफाइसेस थे दे ऑल सीम वेरी वर्थ इट नाउ, क्योंकि वी केम आउट ऑन टॉप एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपेंड। ये अपने आप में काफी बड़ी जीत है हमारे लिए कि हमने मेहनत सारी करी थी, और कोई भी किसी भी चीज को तय करने के लिए उसमें काफी सारी रोक टोके तो आती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और फिर चाहे हमारे जितनी भी कठिनाइयां आई हमने उसे हर हिम्मत से हम उसके पार आए। वुशु की रोबिशना देवी की बड़ी फिक्र मणिपुर में वुशु का मैदान न होना रहा। वो बेखौफ मैच जीतती रही लेकिन इस बात का डर सताता रहा कि उनका परिवार सुरक्षित रहे। पहली बार किसी वुशु खिलाड़ी ने एशियाड में सिल्वर जीता। बहुत अच्छा लगा, पहले समझे नहीं थी मेरा ब्रॉन्ज था, अभी सिल्वर है, नेक्स्ट टाइम हम जरूर गोल्ड दिलाएंगे भारत के लिए। स्क्वैश की टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीता। ये खेल अब भी ओलंपिक में अपनी पहुंच बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, मगर इन खेलों की जीत ने भारत को एशियाड में अब तक का सबसे कामयाब और ऐतिहासिक सफर जरूर करवाया है। हमारी हमारी जो मेहनत हमने की है वो आज सफल हुई। ऑब्वियसली फाइनल में पाकिस्तान को हराना बड़ी बात है, क्योंकि उनका टीम भी बहुत ही तगड़ा था इस बार। पूरे हफ्ते उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और हमें पता था कि बहुत ही बड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा आज जीतने के लिए, और हम जस्ट खुश हैं कि आज हम आज वो एफर्ट दे पाए और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत पाए।
when we came into the tournament, we all knew that we had chances to win medals in all the categories we played. But what transpired today is obviously history, and I think we'll all remember it for a very long time. Delhi se Vimal Mohan, NDTV India.